हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जी टी सैंड्रेस। तो गाइज, जी टी सैंड्रेस की आज की न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम किया जाता है। तो गाइज, आज हम जी टी सैंड्रेस गेम के अंदर ये जो आपको स्क्रीन पे जेट पैक नज़र आ रहा है, अगर आप पहले चीट कोड एक्टिव करते थे तो आपके पास ये पुराना वाला जेट पैक आता था जो आप स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब जो है ना, आपके पास सीजे के पास ये न्यू जो जेट पैक है जो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, यही सेम जेट पैक आप अपनी जी टी एस एंड्रॉइड गेम के अंदर किस तरह इंस्टॉल करके इसका चीट कोड एक्टिव कर सकते हो, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने पी सी की स्क्रीन पर और बिना देर के कम्प्लीटली सेटिंग जो है ना सीख लेते हैं। बस आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। सबसे पहले आपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस मोड को डाउनलोड करना है। मैंने इसका लिंक वहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आपने डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपने इस फाइल को जो है ना एक्स्ट्राट हेयर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्स्ट्राट हेयर पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू फाइल आ जाएगी। आपने उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे, आपके सामने स्क्रीन पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो साइड पर आपको न्यू जेट पैक नजर आएगा जो आपको मिलेगा, न्यू मॉडर्न जेट पैक। किस जेट पैक की जगह, तो यहाँ पर ऊपर आप पुराना वाला जेट पैक जो है ना देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही पुराना वाला जेट पैक ही रहने देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके अपने जी टी ओ सेंट्रल गेम को जहाँ पे रखा उसे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है और नीचे रिबिल्ड अचीव पे आपने टिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपका मोड चैनल सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है आपकी गेम के अंदर। उसके बाद आपने टोटली फाइल को क्लोज कर देना है, बैक चले जाना है अपने जी टी एस सैंड्रोइड गेम के अंदर जहाँ हमने मोड को रिप्लेस किया। तो सैंड्रोइड गेम के अंदर जाके आपने डबल क्लिक करके अपनी सैंड्रोइड गेम को छे ना प्ले कर लेना है। तो आपकी सेंट्रल गेम जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने जेट पैक का चीट कोड एक्टिव करने के लिए कौन सा चीट लगाना है वो भी मैं आपको आगे स्क्रीन पे शो करने वाला हूँ। जी गाइज, स्क्रीन पे अब जो है ना आपको सीजे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आगे उसे रोड की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर हम चीट कोड एक्टिव करने वाले हैं। आपने टाइप करना है अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से ROCKETMAN रॉकेट मैन। जैसे आप टाइप करके कंप्लीट करोगे, ऊपर आपको चीट एक्टिविटी लिखा नजर आएगा और सीजे की पीठ पर आपको ये जो मॉडर्न हमने पीछे वाला जो एक मॉडर्न जेट पैक इंस्टॉल किया था वो जो है ना हमारे पुराने जेट पैक की जगह चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, आपके पास भी वर्क कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और गाइज, वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको सैंड्रोइड की दो और वीडियो मिलने वाली हैं, बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग टाइप की वीडियो, आपने विजिट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।